खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवाड़ी। पेश है आज की हेडलाइंस। ACB ने CSC प्रभारी और एक चिकित्सक सहित दवा विक्रेता को दबोचा। प्रतापगढ़ में MLC रिपोर्ट बनाने के एवज में मांगी थी घूस। पीने को पानी नहीं लेकिन सरकारी बोरिंग से हो रही गाड़ियों की धुलाई। जुबलीबाग क्षेत्र के लोगों ने सर्विस सेंटर से अवैध कनेक्शन हटाने की उठाई मांग। दिन दहाड़े घर में घुसकर जेवरात सहित पार की हजारों की नकदी। मन्निका बड़ पर हुई वारदात। और स्वर्ग रोड क्षेत्र में घर में मिली युवक की लाश, कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच। वहीं मदनपुरी रोड पर एक युवक ने फंदा लगाकर दी जान। और अब खबरें विस्तार से। भ्रष्टाचार एक ऐसी दीमक है जो लगभग हर विभाग में लग चुकी है। मेडिकल जैसा नोबल प्रोफेशन भी इससे अछूता नहीं रहा है। थानागाजी में प्रतापगढ़ CSC के प्रभारी डॉक्टर योगेश शर्मा सहित एक अन्य चिकित्सक समरताल और दवा विक्रेता सुनील गोयल को ACB ने रिश्वत लेते हुए रविवार दोपहर रंगे हाथ पकड़ लिया। MLC रिपोर्ट बनाने के एवज में इनके द्वारा 1,00,000 रुपये मांगने का आरोप है। बाद में 40,000 रुपये देना तय हुआ था। भिवाड़ी ACB के ASP PL यादव के नेतृत्व में टीम ने दोपहर में CSC पहुंचकर रिश्वत लेने के आरोपियों को दबोच लिया। परिवादी यहां दलाल दवा विक्रेता के जरिए डॉक्टरों को रिश्वत की राशि 25,000 रुपये देने गया था। इससे पहले 15,000 रुपये दिए गए थे। परिवादी प्रतापगढ़ क्षेत्र के बलवास बागवाला गांव का निवासी है। MLC रिपोर्ट बनाने के एवज में उससे रिश्वत मांगी गई थी। कुछ दिन ले लिए सत्यापन के दौरान। आज 25,000 रुपये की उन्होंने मांग करते हुए सामने गोयल मेडिकल स्टोर है उसको उन्होंने अपना 25,000 रुपये देने के लिए कहा। 25,000 रुपये हमने गोयल मेडिकल स्टोर से, हमारे पास 23 तारीख को परिवादी आया था कि साहब मैंने मेरे परिवार पे हमला हुआ है और उसके MLC बनाने के लिए प्रतापगढ़ PSC में तहरीर जा रखी है थाने की, और वो डॉक्टर योगेश और डॉक्टर समर्थ मीणा दलाल के जरिए 1,00,000 रुपये की मांग कर रहे हैं जिसका हमने सत्यापन करवाया। सत्यापन में रिश्वत की मांग होना ताहिर हुई। उसके उपरांत फिर इन्होंने कहा कि संडे को आ जाना पैसे लेके, और उनका लेन देन का जो 25,000 में तय हुआ 15,000 रुपये उन्होंने। पीने और रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पानी भले ही ना हो लेकिन शहर के जुबलीबाग सर्किल के आसपास सर्विस सेंटर्स पर धुलती गाड़ियों के लिए पानी की कोई कमी नहीं है। स्थानीय वासिंदों ने यह आरोप लगाते हुए रविवार को विरोध जताया। साथ ही कहा कि अवैध कनेक्शनों के जरिए स्थानीय बोरिंग के दुरुपयोग पर जलदाय विभाग चुप्पी साधे हुए है। अलवर शहर के लगभग हर इलाके में लोग पानी की समस्या से परेशान है, लेकिन दूसरी ओर अवैध कनेक्शन लेकर गाड़ियों की कमीशन धुलाई भी की जा रही है। ऐसे में वार्ड 50 से जुबलीबाग चौराहे के समीप लोगों ने रविवार को सरकारी बोरिंग पर एकत्र होकर रोष जताया। साथ ही दुकानदारों एवं गाड़ी धुलाई के सर्विस सेंटर के अवैध कनेक्शनों पर कार्रवाई की मांग उठाई। इनका कहना था कि जुबलीबाग चौराहे के चारों ओर ऐसे अवैध कनेक्शन मौजूद हैं। ऐसे में गली नंबर 1, 2 और 3 में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। दिन भर बोरिंग चलती है लेकिन अवैध कनेक्शन वाले इसका फायदा उठाते हैं। इसे लेकर कई बार जलदाय विभाग के अधिकारियों को शिकायत की जा चुकी है। स्थानीय लोगों की मांग है कि इन सर्विस सेंटर्स पर कार्रवाई करते हुए अवैध कनेक्शन काटे जाएं। साल हो रहा है, 1 महीना हो गया, बहुत ज्यादा पानी नहीं आने दे, खूब सबन के काम हो रहे हैं, फर्जी कनेक्शन हो रहा है। ये आगे वाले फर्जी कनेक्शन हो गए सारे, कुछ भी करो कोई इनका विभाग वालों को बताया। हाँ, सबको बताया, वहाँ पे भी आए हम, घूम आए, करवाएंगे पता नहीं कौन से दिन आएगा। हाँ जी, हम जुबलीबाग के रहने वाले हैं। ये जो हमारी गली है इसमें अभी गली नंबर 1 अभी इसमें कुछ दिन पहले 4-5 कनेक्शन अवैध हुए हैं। जो गली में सदस्य रह रहे हैं उनके तो पानी है नहीं, और वो जो दूसरी गली में पानी जा रहा है इसकी वजह से हमारे आपस में ही झगड़ा होता है, और रोज पानी दूसरी जगह से भर के लेके आ रहे, टैंकर आ रहे हैं, ये कहाँ का न्याय है। कितनी बार हम वाटर वर्क्स में जा चुके हैं, कहीं हमारी सुनवाई नहीं होती है। रोज यहाँ पर आके हंगामा कर रहे हैं, मोटर हमारी प्रॉपर चल रही है,
बोरिंग खोलने वाले की कोई गलती नहीं है, वो हमें पूर्ण तरीके से पानी दे रहा है उसी टाइमिंग पे, बल्कि एक्स्ट्रा भी दे रहा है, लेकिन पानी हमारे घरों पे नहीं पहुंच रहा है। हमने जयन को इतनी बार शिकायत करी है कि यहाँ पे जितने भी ये सर्विस सेंटर चले सब अनलीगल है, यहाँ पीने का पानी तक नहीं आ रहा, पूरा एक महीना हो गया। इनसे रिक्वेस्ट कर करके हम थक गए कि भैया पीछे पानी जाने दो, इनने आगे से कनेक्शन ले रखे हैं सारे सभी ने, और जिस गली में से देखो तीन तीन गलियों में से इनने कनेक्शन ले रहे हैं, खुद कुंडे भर रहे हैं, धो रहे हैं, और बिल्कुल कहते हुए भी कोई नहीं मान रहा, पानी बिल्कुल नहीं आने दे रहा, ये सारे सर्विस सेंटर बंद हो, तभी ये हमारे हमारे जब जनता को पानी पहुंच नहीं रहा, और नगर निगम के अंदर जितने सर्विस सेंटर है किस काम आ रहे हैं, कोई एक टैंकर नहीं डलवाता, और ये सारे अनलीगल लाइन को बंद करे जाएं। जलदाय विभाग, हम जयन के पास गए थे आज से 8 दिन पहले, जयन यहाँ का मुआयना करके गए, उससे बोली कि भाई आगे कनेक्शन सीधे करवाओ, वो आश्वासन देके चले गए। एक महीने से हम इनके पीछे डोल रहे हैं कि जितने भी है कनेक्शन को बंद करे जाए, सबके इनके पैसे बंधे हुए हैं, सब पैसे खाते हैं ये ऊपर से नीचे तक, यहाँ पीने का पानी तक उपलब्ध नहीं है, और यहाँ गाड़ियां धोई जा रही हैं। गौरतलब है कि शहर में कई अन्य स्थानों पर भी जलदाय विभाग की बोरिंग के पानी का वितरण मनमाने ढंग से करने के आरोप लगे हैं। वहीं आरोपों के अनुसार जुबलीबास में तो कनेक्शन तक वैध नहीं है, ऐसे में हर माह बिल चुकाने वाले खामियाजा भुगत रहे हैं। अलवर शहर के मन्नेकाबड़ स्थित एक मकान में चोरी हो गई। पीड़ित निशांत सोमवंशी ने बताया कि यहाँ उसकी कपड़े की दुकान भी है। दोपहर में उसकी पत्नी खाना देने घर से दुकान पर आई थी, जब शाम 4:30 बजे वह घर लौटी तो घर का सामान बिखरा हुआ मिला, वहीं ताले भी टूटे हुए थे। चोर 55,000 की नगदी और सोने के जेवरात ले गए। कोतवाली पुलिस ने भी मौके का जायजा लिया। वहीं पीड़ित ने पुलिस पर मामला दर्ज नहीं करने का आरोप लगाया है, इसे लेकर वे SP से भी मिलेंगे। कल मैं दुकान पे गया था तो दुकान पे मेरी मिसेज खाना देने आई थी 12:30 बजे। दुकान के ये घर के लोग भूख लगा के आई थी, फिर मैंने उनसे बोला गर्मी तेज पड़ी तो शाम को चले जाना। जब वो चाबी लेके शाम को 4:30 बजे आई वापसी तो घर का सारा सामान बिखरा पड़ा था, और एक रसोई की तरफ से एक आदमी आया, ऊपर हमारा चौक खुला है, और रसोई की कुंडी तोड़ के अंदर के अंदर वो उसने 55,000 रुपये चोरी कर लिए, और कुछ बूटी गहने थे नकदी की, उसने नकदी 55,000 रुपये चोरी कर लिए, और सोने के आभूषण भी कर लिए, जिससे मेरी मम्मी को पता है सोने के आभूषण में क्या क्या था। मेरी मम्मी की भी एंजियोप्लास्टी हुई है जयपुर में, इसलिए मैंने उनसे नहीं पूछा कि क्या क्या है इसमें क्या क्या नहीं। मामला दर्ज कराने गया था पुलिस ने, तो पुलिस यहाँ पे आके चेक कर लिया था, लेकिन मामला उन्होंने दर्ज नहीं किया, उन्होंने करा नहीं दर्ज नहीं किया। उन्होंने कहा कि भैया जो दो कुंडी लग रही थी तो एक कुंडी तो तोड़ ली, दूसरी हमसे नहीं खुल रही कुंडी, स्टोर से कैसे खुलेगी, मामला दर्ज नहीं किया। अलवर शहर के स्वर्ग रोड क्षेत्र में 34 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। पुलिस के अनुसार शनिवार देर शाम सूचना मिली कि स्वर्ग रोड पर एक मकान में शव पड़ा हुआ है। पुलिस ने मौके पर पहुंच 34 वर्षीय भोलू राम प्रजापत का शव जिला अस्पताल की मोर्चरी में पहुंचाया। पुलिस को फिलहाल लग रहा है कि भोलू राम ने आत्महत्या की है। उधर घर से उसकी विमल देवी और उसकी दो बच्ची अनुपस्थित मिली। जानकारी के अनुसार विमल देवी की भोलू राम प्रजापत से दूसरी शादी हुई थी। वहीं मृतक मिट्टी के बर्तन बनाकर परिवार का गुजारा करता था। अभी तो प्रथम दृष्टि देखने से तो आप नत्थे लग गई, हंसी में उसे गले में भी आकार का निशान होने वाला। क्या नाम है मृतक का? मृतक का नाम है भोलू राम प्रजापत, पुत्र श्री ताराचंद, जाति प्रजापत, उम्र करीब 34 साल है, निवासी सुरग रोड अलवा। परिजन बता रहे हैं कि अक्टूबर जाते देखा तो फर्श पर लेटा हुआ था, लेकिन उसे गले के अंदर फांसी का फंदे का निशान होता है, भी आकार का निशान बना हुआ था। बोलो राम प्रजापत कोई पता नहीं है हमको तो घर पे उसके बच्चे बच्चे कोई भी नहीं मिला हमको, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया कि भाई वो मर गया जब गए, हमें कुछ नहीं पता। तो पत्नी और बच्चे कहां गए? पता नहीं कहां गए, वहां नहीं है पत्नी और बच्चे नहीं। अलवर के मदनपुरी रोड निवासी 27 वर्षीय अजय कुमार कोहली ने शनिवार देर शाम अज्ञात कारणों के चलते फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के अनुसार मृतक मजदूरी करके घर परिवार का जीवन यापन करता था। मृतक के पिता ने बताया कि उसने शराब का सेवन भी किया हुआ था। शाम 7 बजे के करीब वह अपने घर लौटा और कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी के कारणों का पता नहीं लग पाया है। वहीं मृतक के परिवार में 3 बालिकाएं हैं। मदनपुरी रोड सामने और मृतक का नाम है अजय कुमार और क्या नाम से कल ये नारायण मेहता का गया था, पीछे से घर वालों के पीछे से कोई छोटा सा प्रोग्राम था उसमें से ये पी के गया था, पी के आया था, ड्रिंक करी थी और घर आने के बाद में क्या नाम से पता नहीं 15-20 मिनट बाद या कैसे भी मेरे को तो पड़ोसी ने फोन किया था। यह काम ऐसा है हमारे का भी करता है,
और मैकेनिक का भी करता है। हाँ जी मजदूरी। सर आपका आदि था या आदि था साहब? कितनी उम्र थी इसकी? 27 वर्ष। जिले में अलग अलग हादसों में दो नन्हे बच्चे झुलस गए। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मूनपुर निवासी 1.5 वर्षीय बालिका गर्म चाय से झुलस गई। यह बालिका ट्विंकल अपनी दादी के पास बैठकर खेल रही थी। इसी दौरान पास में रखी हुई गर्म चाय को ट्विंकल ने अपने हाथ से उठाने की कोशिश की, लेकिन गर्म चाय उसके चेहरे और शरीर पर जा गिरी। बालिका का जिला अस्पताल के बर्न वार्ड में उपचार चल रहा है। उधर सामूला गाँव में गर्म आलू के बर्तन में हाथ डालने के कारण 2 साल का रेहान झुलस गया। उसकी मां राजवती देवी ने घटना की जानकारी दी। इस बालक का भी जिला अस्पताल में उपचार जारी है। क्या नाम है इस बच्चे का? सरिस्का बाग परियोजना में गर्मियों के चलते पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। हालांकि बागों की साइटिंग पर्याप्त होने के कारण पिछली गर्मियों के मुकाबले सैलानी बढ़े हैं। DFO महेंद्र शर्मा के अनुसार बागों के पुनर्वास के बाद इनका कुनबा बढ़ा है, ऐसे में पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं। DFO के अनुसार यहाँ बागों की संख्या 33 पर पहुँच गई है। इनमें 25 बाघ व्यस्क हैं और 8 शावक हैं। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना वर्ष 2004-05 में बाघों से विहीन हो गई थी। इसके बाद 2008 में बाघों का रणथंबोर से पुनर्वास शुरू किया गया था। इसके बाद से बाघों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। पर्यटकों की संख्या की जानते बात है कि जब टाइगर या ट्रांसलोकेशन किए गए थे, वापस से रीइंट्रोड्यूस किए गए थे, तो उस समय रणथंबोर से टाइगर आए थे, लेकिन उसके बाद टाइगर ने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी अच्छा ब्रीडिंग यहाँ पर हुई है, तो उसके कारण संख्या बढ़ी है और कनेक्टिविटी भी इम्प्रूव हुई है दिल्ली से एक्सप्रेस वे बनने से और सामरा की तरफ से तरह। ये कनेक्टिविटी इम्प्रूव होने से भी टूरिस्ट बढ़ा है। 40-50 हज़ार का जो एवरेज टूरिस्ट होता था वो पिछले साल में लगभग 60 हज़ार क्रॉस कर गए, तो ये दोनों तरफ बढ़ रहे हैं। टेला गेट पर भी टूरिस्ट बढ़ रहा है और सरिस्का की तरफ से बढ़ रहा है। टोटल बाघों की अगर संख्या की बात करें तो हमारे पास 25 एडल्ट और 8 कब्स हैं, टोटल 33 बाघ हैं। सरिस्का के पूरे दायरे में लगभग ये फैले हुए हैं सभी रेंजों में, और अलवर बफर तक के एरिया में टाइगर का मूवमेंट है और वहाँ टाइगर ब्रीड कर रहा है। बाला किला बफर जोन के जंगल में ATL की ओर से वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भेजे जा रहे हैं। इस अभियान को लोगों ने सराहनीय बताया, साथ ही कहा कि इस भीषण गर्मी में जारी मुहिम से वन्य जीवों को जंगल में ही पानी उपलब्ध हो जाता है, वहीं उन्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको लेकर ये कहना चाहेंगे कि ATL न्यूज़ ने मुहिम चला रखी है, इसका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो, और जो ये जनसेवा का कार्य कर रहे हैं और इस भीषण गर्मी में जहाँ 45-46-47 डिग्री टेम्परेचर है, आदमी ही खुद ही त्रस्त है, तो पशु पक्षी और जानवर के बारे में जिनको सोचना है वो ज़्यादा महान कार्य कर रहे हैं, और बारंबार धन्यवाद देता हूँ कि ये जो ये सेवा का कार्य कर रहे हैं ये बड़ा विलक्षण है और इनका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक कमाई फाउंडेशन की ओर से नोतपा के इन दिनों में शहर में ठंडे पानी की प्याऊ लगाई जा रही है, जबकि बाला किला में वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकर भिजवाए जा रहे हैं। फाउंडेशन के कोऑर्डिनेटर अभिषेक तनेजा ने बताया कि बस स्टैंड के समीप ठंडे शरबत की प्याऊ लगाई गई। इस अवसर पर संरक्षक दौलतराम हजरती के निर्देशन में समन्वयक परमजीत सिंह सहित सौरभ कालरा, राजेंद्र आहूजा, हितेश नागपाल, गुरप्रीत, तारीश जोरवाल, निष्ठा और पुष्प दुलानी ने अपनी सेवाएं दी। कमाई द्वारा शरबत की प्याऊ लगाई गई है और नौतपा आज से चालू हो गया। गर्मी को देखते हुए रास्ते चलते यात्रियों, बच्चों, महिलाओं को गर्मी से राहत दिलाने के लिए ये क्रम हमारा लगातार चल रहा है। कमाई द्वारा से हर मंगलवार और हर शनिवार को जो ठंडे पानी की प्याऊ लगाई जाती है वो एक वाकई एक शगुन का काम है। समाचार में वक्त चला एक छोर से ब्रेक का, आप बने रहिए ATL TV के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लिख रहा है। काम भी इतना अच्छा है, लिख भी बहुत सुंदर है।
ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत राय से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ATL द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। ATL की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक ATL, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
और वहीं नोतपा के मध्य गर्मी से राहत के लिए कुछ सेवाभावी लोगों ने अलवर जिला अस्पताल के बाहर शीतल मीठे जल की प्याऊ लगाई। प्याऊ लगाने वाले धर्मार्थियों ने बताया कि वे हर सप्ताह इस तरह की प्याऊ लगाने का प्रयास करेंगे। अस्पताल परिसर में दूर दराज से सैकड़ों लोग आते हैं, ऐसे में प्याऊ से उन्हें राहत मिलेगी। नौतपा चल रहा है इसलिए गर्मी तेज पड़ रही है। अच्छा, हाँ, इसलिए प्याऊ लगाइए ठंडा पानी। किसकी तरफ से लगाई गई? ये सब आपको खुद की तरफ से। नौतपा से राहत के लिए ठंडा पानी कब तक चलेगा? दो तीन बजे तक, चार बजे तक, ये तीन बजे तक, चार बजे। गर्मी से राहत, गर्मी नौतपा चल रहा है। अलवर जिले में जल संकट के समाधान और जल संरक्षण पर कार्य करने वाले संगठन हलवा की बैठक रविवार को संपन्न हुई। यह बैठक अलवर शहर के एक निजी होटल में आयोजित हुई। बैठक में वरिष्ठ पर्यावरणविद राजेश कृष्ण सिद्ध, तकनीकी सलाहकार एवं रिटायर्ड एक्सीएन धर्मेंद्र शर्मा, संयोजक हेमंत जयमन और एमजी मोटर्स के संचालक मुकेश मित्तल मौजूद रहे। साथ ही पार्षद रविंद्र जैन, रिटायर्ड सीजीएम एमएल विश्नोई और प्रभु दयाल शर्मा आदि ने भी विचार रखे। बैठक में राइजिंग लाइन में अवैध कनेक्शन, वाटर हार्वेस्टिंग नियमों की पालना, लीकेज से बहते पानी और अनियमित पानी सप्लाई आदि को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही निर्णय लिया गया कि सोमवार को टीम के सदस्य जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। अलवर जिले में जल संकट के समाधान और जल संरक्षण के लिए हलमा टीम अपना कार्य कर रही है। झाबुआ में एक आंदोलन हुआ था हलमा नाम से आदिवासियों के द्वारा, उससे प्रेरित होकर के हमने इसका नाम हलमा रखा है। हालांकि हम पिछले काफ़ी वर्षों से अलवर जल आंदोलन के नाम से मुहिम चलाए हुए हैं और जल संरक्षण को लेकर के काफ़ी काम किया है, लेकिन 9 मई को हमने इसका गठन किया है हलमा का, और अलवर जिले में जल संरक्षण को लेकर के एक विशेष मुहिम छेड़ी हुई है। हमारे साथ विभाग पीएचबी विभाग के दो बड़े अधिकारी सुनील गर्ग जी और ललित करोल जी, ये पॉजिटिव तरीके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जिस तरह से मुहिम चल रही है उसमें हमें अलवर शहर की जनता नहीं, पूरे अलवर जिले से रेस्पॉन्स बढ़िया मिल रहा है। अरे आज एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया था, उसमें अलवर शहर के काफ़ी लोग इसमें शामिल हुए और उन लोगों ने अपने विचार रखे। जगह जगह अनेक वार्डों से लोग आए, यहाँ पर वार्डों की समस्याओं का बताया। खास तौर पर उन्होंने बताया कि राइजिंग लाइन में कनेक्शन हो रखे हैं, अवैध हैं, जो बड़े होटल, हॉस्पिटल या फिर स्कूल वगैरह या ऐसे बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों ने किए हुए हैं, तो राइजिंग लाइन से जो कनेक्शन हो रखे हैं उनको हटाना हमारी प्राथमिकता रहेगी प्रशासन के साथ मिलकर। और खास तौर पर मैं तो चाहूँगा कि अलवर शहर विधायक संजय शर्मा जी जो वर्तमान में राज्य मंत्री हैं, उन्होंने जल के लिए एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी जब कांग्रेस सरकार थी, उनका सहयोग हमें मिलेगा तो हम अलवर से जल संकट के समाधान को पूरी तरह से सही कर पाएंगे। हम लगातार उस पर कार्य कर रहे हैं, उसकी आज प्रथम मीटिंग एक तरह से फिजिकली आज की है और उस ग्रुप में हमने इसको कार्य योजना तैयार होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात है, इस टाइम मैं धन्यवाद देता हूँ जो यहाँ इस टाइम जो अधिकारी है उनकी संवेदनाएँ बाकी हैं, संवेदनशील अधिकारी हैं, उनका हमको लगातार निरंतर अच्छे सहयोग मिल रहा है, तो उससे हमारी संकल्प को लगता है संकल्प की सिद्धि जल्दी होने वाली है। और हम इस समस्या को अलवर को 50 जब हमारे पास सुरक्षित अरावली है, हमारे पास इतने सारे बांध हैं, इतने सारे कुएं हैं, जल स्रोत हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है कि हमारे संकल्प सिद्ध नहीं होंगे, अलवर निश्चित रूप से जल समस्या से निजात मिलेगी। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से समन्वय कर इसके अलावा अन्य जो राजकीय विभाग हैं और भी राज्य सरकार के जो विभाग हैं उनका समन्वय कर ये जल की जो समस्या है इसके स्थायी एवं अस्थायी दोनों के निदान के लिए यह प्रयास जो है चल रहे हैं। मौजूदा समय में जो एक्चुअली जो पानी के लिए ओवरहेड रिजर्वायर जो बनाए गए हैं उनको पूरा भरना आवश्यक है। जो ट्यूबवेल से जो जितने भी नए ट्यूबवेल या पुराने ट्यूबवेल हैं उनसे इन ओवरहेड वाटर टैंक्स को पहले भरा जाए और फिर नियंत्रित सप्लाई जो मोहल्ला वाइज वार्ड वाइज जो है वो सुनिश्चित की जानी चाहिए। अलवर कोतवाली पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी नरेश शर्मा ने बताया कि मीणा पाड़ी के महेंद्र मीणा ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया कि उसकी बाइक कचहरी परिसर के पार्क के सामने से चोरी हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अखेपुरा के आरोपी अंकित चावरिया को अशोका टॉकीज के समीप पकड़ा है। चावरिया से एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। थाना प्रभारी के अनुसार चोरियों को देखते हुए स्पेशल टीम भी बनाई गई है।
22/5 को एक महेंद्र मीणा नाम की व्यक्ति है, उन्होंने कचहरी से अपनी मोटरसाइकिल चोरी होने की एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसपे विधिक कार्रवाई करते हुए अंकित चावरिया को गिरफ्तार किया है और इनसे मोटरसाइकिल भी रिकवर की। फैसिलिटी में बनाई हुई है, जितनी भी चोरी या नकबजनी की वारदातें हुई है उनको जल्दी से जल्दी वर्कआउट करने का प्रयास कर रहा है। जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से रेवा को इंदिरा गांधी स्टेडियम में बालक एवं बालिका वर्ग की प्रतियोगिता की गई। जिले भर से आए बॉक्सर्स ने यहां दमखम दिखाया। सचिव देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि 45 किलोग्राम से लेकर 81 किलोग्राम से अधिक की विभिन्न श्रेणियों में 22 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। वहीं विजेता खिलाड़ी 1 से 3 जून तक दौसा में आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अलवर जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। आज इंदिरा गांधी स्टेडियम में जिला स्तरीय यूथ बालक और बालिका वर्ग की प्रतियोगिता होने जा रही है, जिसमें कि 45 किलो से लेकर 81 प्लस किलोग्राम के वजन वर्ग के विभिन्न भार वर्गों में मुक्केबाज अपना प्रदर्शन देंगे। इस प्रतियोगिता के विजेता बॉक्सर दौसा में 1 से 3 जून तक होने वाली राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में अपना प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें हमारे पास आज जो जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 22 बच्चे हमारे पास में जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हैं। अलवर के अंबेडकर सर्किल के समीप स्थित आलमचंद भगवती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल में आयुर्वेद चिकित्सा शिविर लगाया गया। आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट एवं MGB फाउंडेशन द्वारा आयोजित कैंप में वरिष्ठ चिकित्सक हर्षवर्धन द्वारा निःशुल्क परामर्श दिया गया। ट्रस्ट के मैनेजर विक्रम चौधरी ने बताया कि शिविर में ब्लड प्रेशर और शुगर की जाँच भी की गई, साथ ही रियायती दरों पर दवाएं उपलब्ध करवाई गई। MGB फाउंडेशन आलमचंद गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हिमालय वेलनेस कंपनी के वरिष्ठ डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा आलमचंद भगवंती देवी मेमोरियल हॉस्पिटल अंबेडकर परिसर में निशुल्क आयुर्वेदिक चिकित्सा शिविर लगाया गया है, जिसके अंदर डॉक्टर द्वारा BP शुगर एवं आदि की फ्री निःशुल्क जाँच की गई है और आने वाले पेशेंट का वो आयुर्वेदिक चिकित्सा प्रणाली त्वचा रोग, यौन रोग, गुर्दा, हथरी प्रॉब्लम आदि का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है और रियायती दर पे हिमालय वेलनेस की दवाइयां दी जा रही हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने अलवर के कालकुआ क्षेत्र में शनिवार शाम नशा मुक्ति रैली निकाली। तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष्य में यह आयोजन किया गया। कालकुआ साउथ वेस्ट ब्लॉक और नयाबाद क्षेत्र में निकाली गई इस रैली में बड़ी संख्या में ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए सदस्यों ने भाग लिया। वे नशा मुक्ति के स्लोगन की तख्तियां हाथ में लेकर नारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं ब्रह्मा कुमारी संध्या ने कहा कि नशा नाश की जड़ है, नशीले पदार्थ नैतिक और चारित्रिक पतन सहित पर्यावरण प्रदूषण के लिए बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। साथ ही ब्रह्मा कुमारी अनुभा ने बताया कि नशे की शुरुआत मन की कमजोरी से होती है, ऐसे में दृढ़ इच्छा शक्ति, योग और ध्यान के अभ्यास से आत्मबल को बढ़ाकर नशे से मुक्त हुआ जा सकता है। जो समझो बे मजे से गुटका खाना, गाल गलाना, गुटका खाना, गाल गलाना, जलाना, शराब है सर्वनाश, मन को त्यागो, जागो भाई, तोड़ ले भाई, प्रभु से नाता जोड़ ले भाई, नशे से हाहाकार, बंद करो नशे का बाजार। भिवाड़ी स्थित निरंकारी सत्संग भवन पर निरंकारी इंग्लिश मीडियम संत समागम का आयोजन हुआ। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु ने हिस्सा लेकर सतगुरु माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। दिल्ली से आई विदुषी डॉक्टर प्रवीण की अध्यक्षता में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। वहीं बच्चों ने अंग्रेजी भाषा में अपने विचार, गीत, सामूहिक गीत आदि प्रस्तुत किए। इस अवसर पर अलवर जिले सहित धौलपुर एवं भिवाड़ी आदि के बच्चों की भागीदारी रही। राजगढ़ के ग्राम दुब्बी में अज्ञात कारणों से गत रात्रि नीम के एक वृक्ष में अचानक आग लग गई। यह पेड़ रामफूल प्रजापत के मकान के पास लगा हुआ है। दमकल ने यहां पहुंचकर आग पर काबू कर लिया। वहीं आग के कारणों का पता नहीं लग पाया है। मालाखेड़ा के बस स्टैंड की बुकिंग पर इस भीषण गर्मी में भी शीतल पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में यहाँ के दुकानदारों, राहगीर और यात्रियों को खुद पानी खरीद कर अपनी प्यास बुझानी पड़ रही है। दुकानदार जगदीश प्रसाद, अमित कुमार, सुरेश चंद और गोपाल के अनुसार नवीन बस स्टैंड पर रोडवेज के लिए पंचायत में बुकिंग घर बनाया गया था। यहाँ अब रोडवेज बस नहीं आती है, लेकिन काफ़ी दुकानें यहाँ स्थित है। इसके बावजूद पानी के लिए सार्वजनिक व्यवस्था का अभाव है। अलवर शहर में जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता के निर्देश पर परिवहन विभाग, नगर निगम और यातायात पुलिस की ओर से संयुक्त कार्रवाई की गई।
इस सघन चेकिंग अभियान के दौरान 5 दिन में ई रिक्शों के 290 से अधिक चालान काटे गए, वहीं 130 से अधिक ई रिक्शे सीज किए गए। इसके अलावा 4.5 लाख रुपए से अधिक का जुर्माना वसूला गया है। परिवहन विभाग के निरीक्षक राम खिलाड़ी वर्मा ने बताया कि सभी ई रिक्शा संचालकों को इंश्योरेंस करवाने सहित लाइसेंस होने पर ही संचालन के निर्देश हैं। सबसे बड़ा लाभ तो है कि जो जिसके नाम रिक्शा है वही संचालित करे ये, और वो अपना लाइसेंस बनवाए और अपना रोजगार पावे इस संचालन करके अपने रिक्शे से। और दूसरा ये कि जब हम सघन अभियान कर रहे हैं तो इंश्योरेंस नहीं है तो ये बहुत भारी, किसी एक्सीडेंट हो जाए तो बहुत भारी अगले इसको हो सकती है, तो उसको ये दुरुस्त हो जाएगा तो ये बहुत भारी लाभ होगा। अलवर जिला कलेक्टर के निर्देश पर परिवहन विभाग, नगर निगम, यातायात पुलिस की संयुक्त ई रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई के चलते यहाँ करीब 298 ई रिक्शा के चालान काटे और 125 से अधिक सीज किए, जिसके चलते करीब 4.5 लाख से अधिक का जुर्माना वसूल हो गया है। लेकिन इस दौरान वास्तविक ई रिक्शा के संचालन से सवारियों को महंगा भाड़ा भी चुकाना पड़ रहा है। लेकिन देखने की बात यह है कि इनके चालान कटने से, सीज होने से अब वास्तविक में इन ई रिक्शा का इंश्योरेंस भी होगा और जिसके पास लाइसेंस है वही चला पाएगा। मैं उद्देश्य एयरटेल न्यूज। मालाखेड़ा के ग्राम खरखड़ा में श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन रविवार को शिवजी के व्रतों एवं सती जन्म की कथा सुनाई गई। इसके अलावा सती जन्म की झांकी भी प्रदर्शित की गई। इस मौके पर स्वामी कमलदास बापू ने कहा कि जो भक्त निर्मल मन से भगवान शिव के व्रतों को करता है उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। वहीं से पूर्व जीतू सिंह और बीना सिंह ने श्री शिव महापुराण एवं कथावाचक का पूजन किया। उधर सोमवार को शिव सती विवाह एवं पार्वती जन्म की कथा सुनाई जाएगी। समाचार में फिर से रुकेंगे एक छोटे से अल्प विराम के लिए, आप बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। जो लड़का आज तक हाथ में पेंसिल नहीं पकड़ा सीधे हाथ में, वो डायरेक्ट लिख रहा है। इतना अच्छा है, लिख बहुत, ये तो लिख ही लेगा पक्का। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुजर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर।
में चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 01442338653 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहां आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट, सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड जसवंत राय से पहले कटी घाटी अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। अकबरपुर ग्राम पंचायत में हनुमान जी का कुआं स्थित पानी की टंकी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत सामने आ रही है। कुछ ग्रामीणों के अनुसार अतिक्रमी ने पक्का निर्माण कर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है, लेकिन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। अतिक्रमी ने पहले कच्ची झोपड़ी बनाई और कुछ महीनों में पक्का निर्माण कर लिया। उधर सरपंच प्रतिनिधि महेश पटेल के अनुसार पंचायत की 3.5 बीघा जमीन पर तारबंदी के साथ इस निर्माण को भी हटवाया जाएगा। अलवर SDM प्रतीक जुईकर को अवगत कराने के बाद उन्होंने भी जांच के निर्देश दिए हैं। ये अकबरपुर गांव में करीब 23.49 हेक्टेयर भूमि चारागाह भूमि है और इस पर कई जगह कुछ ग्रामवासियों ने अतिक्रमण कर रखा है, क्योंकि राज्य सरकार के खाते में ये भूमि है। तो अभी जैसे अधिकारियों उच्च अधिकारियों से निर्देश मिले हैं कि भाई इसमें पौधारोपण वो करवाएं, तो हमने पंचायत समिति स्तर पर इसके प्रस्ताव भिजवाएं पौधारोपण के लिए, तो आगे जो भी कार्रवाई होगी तो अतिक्रमण हटाए। हाँ बिल्कुल, जब उसके लिए तार फेंसिंग होगी और वो कार्रवाई होगी तो अतिक्रमण हटवाए। एक तरफ राज्य सरकार ने पानी बिजली की समस्या का समाधान कराने के लिए टोल फ्री नंबर जारी कर रखे हैं, वहीं दूसरी ओर विद्युत निगम के टोल फ्री नंबर पर अक्सर कॉल नहीं लगती। यदि फोन मिल भी जाता है तो शिकायत दर्ज कराने के घंटों बाद भी टीम फॉल्ट ठीक करने नहीं आती। मजबूरन लोगों को खुद खर्च कर फॉल्ट दुरुस्त करवाना पड़ता है, जबकि FR टीम टेंडर धारक शिकायत सही करने का मैसेज उपभोक्ता के मोबाइल पर भेजकर सरकार से राशि उठा लेता है। ऐसा ही एक मामला अलावड़ा के प्रजापत मोहल्ले में सामने आया। शिकायत दर्ज कराने के 4 घंटे बाद भी समस्या समाधान नहीं हो पाया। इसके बाद अधिशासी अभियंता से संपर्क करने पर फॉल्ट को सही किया गया। उधर अधीक्षण अभियंता ने संबंधित लाइनमैन का मोबाइल नंबर देने की बात कही, जिससे उस पर कार्रवाई की जा सके, लेकिन नंबर पूछने के लिए जब टोल फ्री नंबर पर फोन किया गया तो संबंधित कर्मचारी ने इनकार कर दिया। थानागाजी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर उपखंड अधिकारी ने निरीक्षण किया। उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव ने बताया कि भर्ती गर्मी और लू तापघात के मामलों को लेकर उच्च अधिकारियों के निर्देश पर निरीक्षण किया गया है। इस दौरान मरीजों से भी वार्ता की गई। इससे पूर्व SDM ने अन्नपूर्णा रसोई और रैन बसेरा का भी जायजा लिया। उन्होंने यहाँ आने वाले लोगों के लिए गर्मी के बचाव की व्यवस्था के बारे में जाना, साथ ही जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। और हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमारे अधिकारी भी आ रहे हैं कि सब कुछ सही चले और व्यवस्थाएँ कूलर पंखों की व्यवस्थाएँ सही हो। इसमें जो भी लापरवाही किसी भी द्वारा बरती जाएगी उसकी सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजल को लेकर के भी है, इसके हम साप्ताहिक मीटिंग भी रखते हैं, मंडे मीटिंग करता हूँ, उसमें इसका विश्लेषण किया जाता है कि कहाँ पर टैंकरों की जरूरत है, कहाँ पे पानी कम आ रहा है तो उसकी व्यवस्था
देख ली कि इनको कॉल कर रखा है। सभी अधिकारियों को बोला हुआ है, तहसीलदारों को बोला हुआ है कि सब लोग अपने अपने क्षेत्र में कठुमर कस्बे के आदिनाथ जैन मंदिर में श्री दिगंबर जैन संस्कृति शिविर संपन्न हो गया है। शिविर संचालक सोनेश जैन ने बताया कि क्षेत्रीय संयोजक विदुषी जैन के सानिध्य में सकल जैन समाज ने 16 से 26 मई तक शिविर आयोजित किया। इसमें 25 प्रतिभागियों ने जैन धर्म का नियमित अध्ययन किया। वहीं शनिवार को सभी प्रतिभागियों का टेस्ट लिया गया। इसमें लक्षित जैन सानिध्य, वंदित और ईशिका ने प्रथम स्थान पाया। मोहक जैन, मातिता जैन और अंश को दूसरा स्थान मिला, जबकि मेधावी जैन ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। शिविर संयोजक और सभी प्रतिभागियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। लायंस इंटरनेशनल में पूर्व रीजन चेयरपर्सन के सी शर्मा को प्रांतीय सचिव और प्रभु पाटिल को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। निर्वाचित प्रांतपाल पी सुनील अरोड़ा ने यह नियुक्ति की है। डिस्ट्रिक्ट PRO आशीष अरोड़ा ने बताया कि जयपुर में आयोजित दो दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन में यह नियुक्ति की गई। ये दोनों पूर्व में भी अनेक महत्वपूर्ण पदों के दायित्व को निभा चुके हैं। उनकी नियुक्ति पर सह प्रांतपाल आशुतोष वशिष्ठ सहित विनोद गोयल, अंजना जैन, अशोक ठाकुर, सुनील गोयल और विष्णु गोयल आदि ने हर्ष व्यक्त किया है। श्री जैन रत्न युवक परिषद जोधपुर द्वारा बड़ौदा में कस्बे में ग्रीष्मकालीन धार्मिक एवं नैतिक संस्कार शिविर लगाया जा रहा है। इसमें 36 बालक बालिकाएं धार्मिक शिक्षा और नैतिक ज्ञान अर्जन कर रहे हैं। शिविर का समापन 2 जून को होगा। वहीं इसके तहत भगवान श्री महावीर स्वामी के जीवन और शिक्षाओं पर लिखित परीक्षा का आयोजन भी हुआ। शिविर में मिथिलेश जैन, कल्पना मीनू और अंजू जैन शिक्षिका के रूप में सेवाएं दे रही हैं। इस दौरान शिविर संयोजक बालकृष्ण जैन, सह संयोजक संतोष कुमार, वरिष्ठ श्रावक जगदीश प्रसाद, सचिन जैन, नरेश एवं चिराग जैन उपस्थित रहे। सरकारी आवास पर पैनल में विद्युत लाइट के दुरुपयोग को लेकर मनुमाग स्थित जलदाय सहायक अभियंता को शिकायत की गई है। इसमें बताया गया कि सुभाष नगर पंप हाउस के पीछे एक सरकारी क्वार्टर में कार्मिक ने पंप हाउस के पैनल से विद्युत कनेक्शन कर रखा है। इस तरह से वह पिछले करीब 3 से 4 साल से सरकारी बिजली का उपयोग कर रहा है, जबकि सरकारी क्वार्टर पर विद्युत निगम का कोई मीटर नहीं है। जागरूक नागरिकों ने इसकी जांच की मांग उठाई है। इसे लेकर नगर उपखंड द्वितीय सहायक अभियंता को प्रार्थना पत्र दिया गया है। खैरतल के श्री हनुमान भक्त मंडल द्वारा रविवार को परिंडा वितरण कार्यक्रम का तृतीय सत्र आयोजित हुआ। सामाजिक समरसता के जिला संयोजक रमाकांत गुप्ता के नेतृत्व में यहां घर घर परिंडे वितरित किए गए। संस्था ने 501 परिंडों के वितरण का लक्ष्य जन सहयोग से पूरा कर लिया है। कार्यक्रम में राष्ट्रीय व्यापार सेवा संघ के जिलाध्यक्ष कृष्ण गोपाल सहित सुरेश रावत, ठाकुरदास गिड़वानी, श्यामलाल जाटव, सुरेश अमित जाटव, सत्यनारायण अग्रवाल आदि का सहयोग रहा। यह जानकारी नगर संयोजक महेंद्र गुप्ता ने प्रदान की। श्री केदारनाथ धाम में अलवर भंडारा आयोजित हो रहा है। अमरनाथ बर्फानी सेवा समिति यहां 7वां भंडारा कर रही है। यह स्थान भैरू मंदिर मार्ग पर हंस कुंड के सामने बर्फ की वादियों में स्थित है। भंडारे का शनिवार को 16वां दिन था। वहीं समिति के पदाधिकारी और सदस्य उत्साह के साथ श्रद्धालुओं की सेवा में जुटे हुए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। ACB ने CSC प्रभारी और एक चिकित्सक सहित दवा विक्रेता को दबोचा। प्रतापगढ़ में MLC रिपोर्ट बनाने के एवज में मांगी थी घूस। पीने को पानी नहीं लेकिन सरकारी बोरिंग से हो रही गाड़ियों की धुलाई। जुबलीबाग क्षेत्र के लोगों ने सर्विस सेंटर से अवैध कनेक्शन हटाने की उठाई मांग। दिन दहाड़े घर में घुसकर जेवरात सहित पार की हजारों की नकदी। मन्निकाबड़ पर हुई वारदात। और स्वर्ग रोड क्षेत्र में घर में मिली युवक की लाश। कोतवाली पुलिस ने शुरू की जांच। वहीं मदनपुरी रोड पर एक युवक ने फंदा लगाकर दी जान। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवाड़ी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।